पहले मैं परिचय करा दूं, ये शुभी है और शुभी भारत की बहुत अच्छी कलाकार है, बहुत सुरीला गला है। यूं कहिए तो इसको शनि धाम की एक कोकिला है और यूं कहिए तो शनि धाम की क्या है, कोकिला क्या है, कोकिला। इससे बड़ी कोई उपाधि होती नहीं है, क्योंकि समस्त मानवों में भी और पशु पक्षियों में भी कोयल जैसी आवाज सुनने को आदमी बेताब रहता है, तो हम सब बेताब है इसके मुख से एक भजन सुनने के लिए सुरीला। ठीक है, तो आइए सुभी को सुनते हैं। ठीक है, और जो सुनेगा मुझे तो लगता नहीं वो दाद दिए वगैरह रह जाएगा, पहले क्या कहना, अपने मुंह या मुठ्ठू बनना क्या। ठीक है ना, तो हम अपने वैसे भी इस छोटे से चंचुकुट से इसकी तारीफ उतनी कर नहीं सकते जितना गहरा समुद्र है, हम उसको नाप ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन समुद्र के तापमान को नाप सकते हैं कि इतना है और गहराई में इतना होगा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। तो शंकर भगवान के आशीर्वाद से ये उत्पन्न हुई और उत्पन्न भी ऐसी जगह हुई जहाँ पे उज्जैन नगरी है, बाबा की नगरी है। इसकी मम्मी ने 28 सोमवार को व्रती कर रखकर नंगे पैर बाबा के धाम में जाकर तब इसको मांगा था। वैसे ये बात इन्होंने बताई नहीं थी, लेकिन मुझे पता है ना, पता चल गई मुझे। बोले शनिदेव महाराज की। कृष्ण भी तो ही है, तुझे से ही कान्हा मेरी जिंदगी है। मेरा श्याम तू है, कृष्ण भी तो ही है, तुझे से ही कान्हा मेरी रास संग रचा।
खुशी की धुन पे ये रूह नाचती है, तुझसे ही कान्हा मेरी जिंदगी है, मेरा शाम तू है, कृष्ण भी तू ही है, तुझसे बोले शनिदेव महाराज की। तो आपको जो भजन चल रहा है इसी में, मतलब जब हम इसको डालेंगे आपको इसी में इसकी दाद देनी है, इसी में बताना आपको शुभी के मुख से गान कैसा लगा। ये कृष्ण गान था, भगवान की कभी आप गैया बनते हैं, कभी भगवान की शकी बनते हैं, कभी भगवान के लिए आंसू गिराते हैं, और कभी आप भगवान के साथ ग्वाले हो जाते हैं, कृष्ण भगवान के साथ ये सब आप सभी रूपों में विचरण करते हैं, आप उसमें रत हैं, आपके वो इष्ट हैं, और अपने इष्ट में रत होना बहुत बड़ी बात है, अपने इष्ट का हो जाना बहुत बड़ी बात है। और आपने देखा होगा कि शुभी गाना गा रही थी, तभी सुनील भैया की आंखों से जैसे ही उन्होंने कहा कि गिरते हैं आंसू तभी आंसू गिरने लगे, और प्यारी बच्ची ने भी देखे, देखे आपने, हाँ आने मजा, ओह इसकी आंखों से भी आंसू गिरे, ओह इसकी आंखों से भी आंसू, क्या भाव मग्न हो गए आजकल। बोले शनिदेव महाराज की। लगता है आने वाले समय में भारत फिर से भगवान में रत होगा और सारे बच्चे भगवान की भक्ति किया करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम ओम।